बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए समोसा, गरम गरम समोसा। तो चलिए अपनी क्लास जो है शुरू करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज है 13.1 और क्वेश्चन है हमारा 8वां। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। क्या करना है, घातों की तुलना करेंगे सिंपल से, उसी से पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8वें का पहला। ये दिया गया है 2.7 मल्टीप्लाई में 10^12। ठीक है, और दूसरा जो तुमको दिया गया है वो दिया गया है 1.5 मल्टीप्लाई में 10^8। अब इन दोनों को ही हमको तुलना करनी है। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 10^12 है और यहाँ पे 10^8 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हमारा 2.7 है और यहाँ पे 1.5 है। ठीक है, 10 की तुलना में 2.7 में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब 10 की तुलना में ये बहुत कम है। 10 तो हमारी एक बड़ी संख्या है ना, और यहाँ पे घातों का अंतर काफ़ी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे इसीलिए घातों की तुलना ही करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, तो क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे। जब घातों की तुलना करेंगे तो क्या होगा भाई, 10^12 जो है वो बड़ी होगी, 10^8 हमारी छोटी होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः ये जो हमारा 2.7 क्रॉस 10^12 है ये हमारा बड़ा है, और ये जो 1.5 क्रॉस 10^8 है ये हमारा छोटा है। इस तरीके से ये हम लिख देंगे, और चाहे तो इसको एक ब्लॉक में बंद कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, समोसा खाएंगे। ये मौसा जी का नंबर था, इस पर कॉल नहीं की जाती है। ठीक है, अब ये जो है ये दूसरा क्वेश्चन है वो है 4×10^14। ठीक है, फिर है हमारा 3×10^17। ठीक है, अब हम यहाँ भी घातों की तुलना करेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 की तुलना में 4 जो है वो हमारा काफ़ी छोटा है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर, तो रुचि मौसी वाले नंबर पे करो कॉल। ठीक है, तो घातों की जब हम तुलना करेंगे तो हमको पता है 10^14 जो है वो हमारा छोटा है, या कह सकते हैं हम इस तरीके से 10^17 जो है, ठीक है, क्या 10^17 जो है वो हमारा बड़ा है और 10^14 जो है वो हमारा छोटा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः ये हमारा जो क्या था 3×10^17 बड़ा है और 4×10^14 जो है वो हमारा छोटा है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। बस हमको इतनी तुलना करनी थी और क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा समाप्त हो गया, पूरा क्वेश्चन जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। तो क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है भाई, तो क्लास जो है अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे। तो पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपकी ख़त्म हुई, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।